सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उदार बनो पर इस्तेमाल न होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों को सुनो लेकिन अपनी आवाज न खोने दो। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। जब आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती तब आपका विश्वास टूट जाता है। आज का पंचांग 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 5:06 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 4:01 तक रहेगी। इसके उपरांत वृक्षेशा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:02 से 3:39 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने व्यस्त कार्य शैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। आप अभी व्यक्तिगत नाकामयाबी का सामना कर रहे हैं, यह धन या परिवार से संबंधित हो सकती है। चुप रहकर सहन न करें, परिवार और रिश्तेदारों से मिलिए। अतीत में से किसी से मुलाकात हो सकती है। समर्थन के साथ आप इन मुश्किल क्षणों का सामना करके सफल होंगे। आज मित्रों और परिचितों से मिलने का सुनहरा मौका है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होते हैं। बिछड़ने या समय के साथ भी मित्रता को जीवित रखती है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीतता। मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते हैं और बोलते हैं। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। अचानक मिली कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा देगी। परिवार के लोगों के साथ इसे बांटना आपको उल्लास से भर देगा। आप और आपका साथी आज प्यार के समुन्द्र में गोते लगाएंगे और प्यार की मधोशी में महसूस करेंगे और प्यार के मधोशी को महसूस करेंगे। व्यापारियों के लिए अच्छे दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपनी कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कोई मामलों में आपसी असहमति रह सकती है और इससे आपके रिश्ते कमजोर होंगे। कई तरह की जिम्मेदारियां रहेगी, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें बखूबी अंजाम भी दे देंगे। कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई खुशखबरी मिल सकती है। नकारात्मक विचारों से खुद को बाहर निकालें, नए अवसर पर ध्यान दें। अपने विचार और कामों के परिणामों पर ध्यान रखें। यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो प्रयत्न करने का तरीका बदलने की कोशिश करें। अपने व्यवहार के नकारात्मक पहलुओं को समझें। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को हर एक काम में पारंगत होना होगा। पार्टनर से मिले सरप्राइज के कारण आनंद मिलेगा। बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। आज अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। इसमें परिवार के लोग भी शामिल होंगे। छात्र और युवा परीक्षा के परिणाम अपने पक्ष में कर सकते हैं। घर के किसी सदस्य की शादी की तैयारी में भी समय बीतेगा। आज किसी से विवाद न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। धैर्य से स्थिति सामान्य हो जाएगी। सावधानियां
जो लोग किसी बात को लेकर तनाव से गुजर रही हैं, उन्हें अनुभवी लोगों का सानिध्य सुकून देगा। चचेरे भाई बहन के साथ किसी वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित नहीं है, वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दे। बात करते हैं लव लाइफ की। वरिष्ठ लोगों के स्नेह और मार्गदर्शन से पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। जुनून और दीवानगी आज के दिन का पर्याय रहेगा। आप एक असाधारण और अविश्वसनीय प्रेम के तरीके से अपने साथी को आश्चर्यचकित करेंगे, पुरस्कृत भी होंगे। आप खर्च में और प्यार के कार्य में दोनों में सामान्य रूप से उदार रहेंगी। आपकी इस उदार प्रवृत्ति के कारण आपके साथी में एक भावुक और दीवानगी की प्रतिक्रिया आपके लिए पैदा होगी। आप एक साधारण दिन का आनंद उठाने के लिए तैयार रहें, जो कि आपके प्रयासों के कारण साधारण बन गया है। आशा प्रेम के मूड में है और यौन सुख के लिए भी कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे में अपने साथी को पहले पैम्पर करना ना भूलें। शॉपिंग या पसंदीदा फिल्म देखकर माहौल को हल्का करें। अपने पार्टनर को अपने प्यार और केयर का हर संभव तरीके से एहसास करें। एक दूसरे की देखभाल करना सफल मित्रता की चाबी है और प्यार का दूसरा नाम है। अपने दोस्तों और साथी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके जीवन की अहम कड़ी है। आज नए दोस्तों के बनने का भी योग है। बात करते हैं करियर की। आज आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। किसी खास की बीमारी या महत्वपूर्ण स्थितियों को देखकर असहाय महसूस करेंगी। आज जो भी करें सोच समझकर और पूरा दिल लगाकर करें। आज आपको पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, जिसे जीवन में नयापन आएगा। जिन लोगों के आप ज्यादा करीब हैं, उनसे संबंध आगे बढ़ाएं। देखभाल करना दोस्ती को जीवित करने का सबसे पहला चरण है। जितना हो सके लोगों से बातचीत करें और खुद को अपडेट रखें। अच्छे संबंध भावनात्मक सुरक्षा के साथ नया नजरिया भी प्रदान करते हैं। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा और सफलता से भरपूर है, जो किसी भी तरह से शिक्षा या लेखन से जुड़े हैं। छात्रों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों और शिक्षा से जुड़े अन्य पेशेवरों के लिए एक बहुत आनंदमय एवं अच्छा दिन होने के संकेत है। आज का दिन लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करने के लिए उपयुक्त है। आज आप आराम से बैठें और उन प्रयासों का लाभ आपको मिलेगा जो आपने अपनी पेशेवर जीवन की दिशा तय करने में डाले थे। बिजनेस में बहुत अधिक जिम्मेदारियां रहेगी और उन्हें पूरा करने में कुछ न कुछ परेशानियां भी बनी रहेगी। धन संपत्ति मामलों में किसी के साथ समझौता करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। शिक्षा तथा सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है। बात करती है सेहत की। कोई आज आपको यह समझा पाएगा कि आपके खान पान और गलत जीवन शैली के कारण आपका स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित हो रहा है और फिर आप इसके लिए सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। अगर फास्ट फूड बहुत खाते हैं तो आज आप अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें खरीदें। आज का उपाय। आज आप भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पीले वस्त्र को धारण करें। शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।